एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूं आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूं अमेज़न फैशन हॉल, और इस फैशन हॉल में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ साड़ियां दिखाने वाली हूं, क्योंकि पूजा आने वाली है, दशहरा है, करवा चौथ है, दिवाली है, तो इतनी सारी फेस्टिवल आ रहे हैं और इन पर साड़ी पहनने के बाद जो लुक आता है ना वो अलग ही होता है। सो यस गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड साथ में आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगी कि अमेज़न पे अभी चल रहा है इंडियन ग्रेट फेस्टिवल, और इस सेल में जो चीजें है ना इतनी सही रेट पे, इतने सही प्राइस पे मिल रही है, इतने अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ मिल रही है, तो ये डील अपने हाथ से, ये सेल अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। यस गाइज, इस डील को हाथ से मत छूटने देना। एंड अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। इन सभी प्रोडक्ट्स की बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सो यस गाइस, ये कुछ साड़ियां हैं जो मैं आपको एक एक करके दिखाने वाली हूँ। इसमें हैवी साड़ी से लेके लाइट वेटेड साड़ी तक है। तो पहली साड़ी जो है ना, ये एकदम डिफरेंट कलर इस बार मैंने मंगवाया है। एक्चुअली इस टाइप की साड़ी मैं पहनना चाहती थी। ये साड़ियां जो होती है ना, ये एक तो लाइट वेट होती है, आप घर का काम कर रहे हो और उस टाइम पे अगर हैवी साड़ी पहन लो ना तो क्या होता है कि काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि अगर जैसे रात को पूजा वगैरह होती है तो उस टाइम पे आप हैवी साड़ी पहन सकते हैं, एंड पूरे दिन आप लाइट वेट साड़ी पहन सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये साड़ी मंगवाई है। प्लस में इस साड़ी के साथ एक बेल्ट मिल जाती है जो कि इसके लुक को और बढ़ा देगी। ठीक है, जो बेल्ट है मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। ये है इसकी बेल्ट, एंड साड़ी से बिल्कुल डिफरेंट है। इसको आप किसी भी ड्रेस के साथ पेयर अप कर सकते हैं, लहंगे के साथ, सूट के साथ, बहुत प्यारा लगेगा। अब मैं आपको ये साड़ी दिखा देती हूँ। तो यस गाइस, ये साड़ी कॉटन की साड़ी है। ठीक है, और आजकल तो यार कॉटन सिल्क का इतना फैशन चला हुआ है ना। पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ जो ओल्ड लेडीज होती थी सिर्फ वही पहनती थी, बट आज के टाइम पर ये साड़ियां इतनी ट्रेंड में चल रही हैं, इतनी फैशन में चल रही हैं कि अगर आपके पास कॉटन सिल्क साड़ी नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। सो यस गाइस, ये इस साड़ी का पल्ला है, एंड इसके बाद शुरू होती है पूरी की पूरी साड़ी। एंड साड़ी के ऊपर और नीचे गोल्डन कलर का बॉर्डर है, बीच में गोल्डन कलर के स्ट्रिप्स दिए हुए हैं, और नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा चौड़ा सा ब्लैक कलर का यूज किया गया है जो इस कलर को और अच्छे से डिफाइन कर रहा है। साड़ी की जो लेंथ है वो काफी अच्छी दी हुई है। साड़ी का जो फैब्रिक है वो कॉटन का है और सिल्क कॉटन है। ठीक है, शाइनेबल आपको ये साड़ी मिल जाती है, और इसी के अंदर आपको ब्लाउज का कपड़ा भी मिल जाएगा। सो यस गाइस, ये थी फर्स्ट साड़ी जो एकदम सिंपल, एंड आप जैसे डे में अगर जैसे काम वगैरह होता है आप इसको पहन के आराम से कर सकते हैं। इसके बाद जो साड़ी मैंने अगेन मंगवाई है वो बहुत ही सिंपल साड़ी है, एंड इस साड़ी को पहन के ना आप एक क्लासी लुक क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, पहले ऐसी जो साड़ियां होती थी ना, ये जो एजेड लेडीज होती थी ना सिर्फ वो पहनती थी, बट अगर इस साड़ी को आप स्टाइलिश तरीके से पहनते हो ना तो जो लुक है ना इस साड़ी के कारण आपका और प्यारा हो जाएगा। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि अगर आप इस तरीके की कोई साड़ी ले रहे हो ना तो उसको सिंपल तरीके से बिल्कुल भी मत पहनो, थोड़ा सा स्टाइलिश लुक के साथ अगर आप पहनते हो ना तो ये साड़ी आपके ऊपर बहुत प्यारी लगेगी। साड़ी का कलर ऑफ व्हाइट है, क्रीम कलर की साड़ी है, ब्लैक एंड ऑफ क्रीम कलर का इस पे बॉर्डर है, गोल्डन कलर का कॉपर कलर का इस पे बॉर्डर है। ठीक है, नीचे जो है एलिफेंट के डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, इसके कारण इस साड़ी के लुक में चार चांद लग जाते हैं। ये साड़ी अगर आप पहनते हैं तो बहुत डिफरेंट लगोगे एंड बहुत प्यारे लगोगे। अगर आप एक टीचर हैं तो आप इस साड़ी को जरूर पहन सकते हैं, क्योंकि टीचर में क्या होता है ना, सोबर लुक चाहिए होता है। अगर आप इस साड़ी को पहनते हैं तो आप सोबर के साथ साथ बहुत ही ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस लगने वाले हैं। ओके, इस साड़ी का जो फैब्रिक है ये आर्ट सिल्क है, और यहाँ आपको इसका ब्लाउज मिल जाता है, और ये है इसका पल्ले वाला पार्ट। अब इसके बाद जो मैंने साड़ियां मंगवाई थी वो हेवी है। ठीक है, और ये आप करवा चौथ पे पहन सकते हो, दिवाली पे पहन सकते हो। दोनों ही साड़ियों का जो फैब्रिक है उम्दा फैब्रिक है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, ये है तीसरी साड़ी जो कि मैंने अमेज़न से ही मंगवाई है, एंड ये जो साड़ी है ना यार इतनी सही प्राइस पे मुझे मिली,
मैंने ये इमेजिन नहीं की थी कि मुझे ये वाली साड़ी इतने सही प्राइस पे मिल जाएगी। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। इस साड़ी का शुरू होता है यहाँ से ब्लाउज, और ब्लाउज पे आप देख सकते हैं मिड में बीच बीच में गोल्डन कलर का यूज किया गया है, थ्रेड से वर्क हो रखा है। ओके, एंड इस साड़ी का जो फैब्रिक है वो क्रिस्टल सिल्क है, ठीक है। साड़ी दिखने में बहुत हैवी है लेकिन लाइट वेटेड है। अगर आप इसे कैरी करते हो तो आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे, ठीक है। आजकल ये साड़ी बहुत ट्रेंड में चल रही है। आप देख सकते हैं कि जो साड़ी है इसका मिड वाला जो कलर है वो सी ग्रीन है, एंड गोल्डन कलर के थ्रेड का अंदर से इस पे वर्क हो रखा है। ऊपर और नीचे रेड कलर का यूज किया गया है जो इसे काफी अच्छे से डिफाइन कर रहा है, ठीक है। पूरी की पूरी साड़ी आपको ऐसी मिल जाती है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो साड़ी है पूरी की पूरी एक जैसी है। यहाँ से शुरू होता है इसका पल्ला, एंड पल्ला भी बिल्कुल सेम एज ब्लाउज की तरह ही है। तो यस गाइज, ये साड़ी आप करवा चौथ पे भी पहन सकते हैं, दिवाली पे पहन सकते हैं। तो जो भी पूजा आ रही है, जो भी फेस्टिवल आ रही है, उस पर आप इसको वेयर अप कर सकते हैं। बहुत प्रिटी कलर है ये, एंड ये आपके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, मुझ पे भी अच्छे लगेगा, इसीलिए मैंने इसको मंगवाया है। अब इसके बाद लास्ट साड़ी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये साड़ी मैंने सोचा नहीं था, जिस समय मैंने ऑर्डर किया था मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी निकलेगी। इसकी जो प्लीट्स है बेस्ट, मतलब प्लीट्स आपको बार बार ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको एक बार पहन लेते हैं। और ये साड़ी ना आप किसी भी फेस्टिवल पे आराम से पहन सकते हैं, इतनी प्यारी साड़ी है। तो जब मैं साड़ी की इतनी तारीफ कर ही रही हूँ तो मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये है मिमोसा की साड़ी, और आपको इस तरीके के बॉक्स में ये मिल जाती है जिससे साड़ी काफी अच्छी लगती है, ठीक है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ, एंड ये है साड़ी। मैंने अभी इसे ओपन करके एंड इसका ड्रेप वीडियो बना लिया था, तो इसीलिए इस तरीके से निकाल रखी है मैंने। अब मैं आपको इसको पूरी की पूरी मतलब स्टार्ट कर खोल के दिखाती हूँ। यार ये साड़ी इतनी अच्छी लगी है मुझे, एंड मैं आपको क्या बताऊँ इसकी, मेरे को तारीफ ही करने का मन कर रहा है। क्योंकि कुछ साड़ियां ना ऐसी होती हैं सिल्क साड़ियां जिनमें प्लीट्स बनाना मतलब एक टास्क का काम लगता है, बट ये जो साड़ी है, ये साड़ी में आपको बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत, इस साड़ी में आपको बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार प्लीट्स बना लेंगे एंड आपकी साड़ी जो है परफेक्ट सेट हो जाएगी। तो गाइस यहाँ से शुरू होता है इस साड़ी का पल्ला, और पल्ला आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। मेहरून कलर का इसका पल्ला है जिसपे ग्रीन एंड गोल्डन कलर का वर्क हो रखा है, ठीक है। यहाँ से शुरू होती है ये पूरी की पूरी साड़ी। व्हाइट कलर की साड़ी है जिसपे गोल्डन रेड एंड ग्रीन कलर का वर्क हो रखा है। तो इस साड़ी के साथ जो ब्लाउज आया आप उसको भी पेयर अप कर सकते हैं, या फिर रेड कलर की ग्रीन कलर के ब्लाउज को भी पेयर अप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ना क्या होता है ना कि मेरा ये मानना है कि अगर आप साड़ी पहन रहे हैं तो थोड़ा कंट्रास्ट में ब्लाउज पहनते हो ना, तो जो उसके बाद लुक आता है वो बिल्कुल अलग आता है, ठीक है। सो यस गाइस, आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी साड़ी इस तरीके की है। ऊपर और नीचे आपको इसका जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना, इस साड़ी को अलग से ये डिफाइन करता है और इसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। तो देख सकते हैं ये साड़ी जो है पूरी की पूरी एक जैसी है, ठीक है। और यहां से ये है इसका ब्लाउज। ओके, ब्लाउज जो है ये दोनों सॉरी स्टार्टिंग में इसके ब्लाउज का पीस था, ये है इसका पल्ला। और पल्ला देखिए बिल्कुल बहुत प्यारा है। एंड मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, जो ब्लाउज है और पल्ला है वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है। सो यस गाइज, ये है साड़ी जो कि बहुत बहुत प्रिटी है। साड़ी का फैब्रिक मैं आपको बता देती हूँ, कांजीपुरम आर्ट सिल्क साड़ी है। साड़ी में प्लीट्स बनाना बहुत इजी है, एंड आई होप आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स पसंद आए होंगे। बट आपको सबसे ज्यादा कौन सी वाली साड़ी पसंद आई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। बाय द वे, इन सभी के बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको साड़ी की सारी डिटेल मिल जाएगी, सारी चीज पता चल जाएंगी, प्राइस क्या, साड़ी का प्राइस क्या है, क्या क्वालिटी है, सारी की सारी चीजें इसमें पता चल जाता है। सो यस गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अभी तक इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।